साधक मित्रों, मेरे एक प्रिय सहकारी मित्र ने मैया नर्मदा की परिक्रमा की और उसके बाद उन्होंने मानस परिक्रमा करते हुए नर्मदा परिक्रमा एक आनंद अनुभूति नाम का ग्रंथ किताब लिखी। अब उसका विमोचन था तो उन्होंने बड़े आदर से मुझे उस विमोचन के लिए व्यासपीठ पर आमंत्रित किया। विपश्यना ध्यान साधना की परंपरा में गुरुदेव कहते हैं ना कि अपने को समाज से अलग नहीं करना चाहिए और जिस क्षेत्र से हम आए हैं, जिस परंपरा से हम आए हैं, उसका भी हमने आदर करना चाहिए। विपश्यी साधक ने अब ये जो मेरे मित्र हैं श्री चंद्रकांत जी लोखंडे, पहले जब हम हमारे कर्तव्य पथ पर थे, दोनों भी हमारे सहकारी मित्र थे वो, तो उन्हें मैं उनके एक प्रति जो एक समाज में जो नाम होता है उस नाम से ही संबोधित करता था, साहूकार। यानी कि वो कोई साहूकारी नहीं करते थे लेकिन पीढ़ियों से उनके फैमिली को साहूकार कहा जाता था। मैं उन्हें साहूकार ही संबोधित करता था और दूसरे नाम से संबोधित नहीं करता था। इस समय व्यासपीठ पर वे एक लेखक के रूप में और एक नर्मदा परिक्रमावासी बाबा जी, ऐसे पवित्र और श्रेष्ठ व्यक्ति बन गए थे। तो अब मुझे उनसे अपनी निकटता बताने के लिए मैं जैसे ही माइक पर पहुंचा तो मैंने कहा चंदू, मेरे मित्र चंद्रकांत जी को और साहूकार को मैंने चंदू कहा कि विशिष्ट व्यक्ति या जो आदर को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति, ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है, उससे अपनी निकटता, अपनी उससे घनिष्ठता बताने के लिए ये मेरी धृष्टता थी। अब नर्मदा परिक्रमा के विषय में मैंने बहुत पढ़ा था यानी कि ऐसा नहीं कहता हूँ बहुत ज़्यादा पढ़ा था, लेकिन मैंने पढ़ा था नर्मदा परिक्रमा के विषय में। मुझे आकर्षण भी इसका बहुत ज़्यादा था, विपश्यना में आने से पहले भी, विपश्यना के आने के बाद भी मैंने उस पर नर्मदे हर नाम से मराठी में जो किताबें हैं वह भी पढ़ी, हिंदी की भी पढ़ी, तो बड़े अनुभव अचरज करने वाले हैं। देखिए मित्रों, अनेकों स्थान जैसे गुरुदेव कहते हैं तरंगों से भरे पड़े हैं, पृथ्वी पर तो है, भारतवर्ष में तो बहुत ज़्यादा है, अनेकों नदियों के तीर है, हिमालय है, कई पर्वत है, जैसे गिरनार सबसे दादा पर्वत या सबसे पुराना पर्वत कहा जाता है, वैसे ही नर्मदा तट है, गंगा तट है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, और हमारे विपश्यना के तीर्थक स्थल यानी कि शिविर स्थल जो भी है, आज उन्हें आदर से हम जैसा हम बाकी तीर्थ स्थलों को कहते हैं वैसे ही कह सकते हैं, जहाँ पर साधक 10-10 दिन तक या उससे भी ज़्यादा समय तक शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करता है और जहाँ पर कंटिन्यूस शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास चलता है और जहाँ पर ऋषि मुनि ने रहकर कुछ समाज उपयोगी कार्य किया है, सेवाएं की है या फिर तप किया है, वहाँ जगहें पुनित हो जाती हैं, एक प्रकार के तरंगों से भर जाती है, पॉजिटिव तरंगों से, प्रेरणादायक तरंगों से, तप की तरंगों से भर जाती है। वहाँ जाते ही मन एकाग्र होने लगता है, शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होने लग जाता है। तो ऐसा ही नर्मदा तट, इसका मुझे आकर्षण भी था और जब मैं किताबें पढ़ता था तो देखता था कि यह परिक्रमा किस लिए है, व्यक्ति का स्वभाव बदल देती है। जब कोई व्यक्ति, उसे एकदम ऐसा लगता है कि मैं तो जल रहा हूँ इन विकारों से, जो स्वभाव है मेरा बहुत ही काट कटीला, लोभी या षड्रिपु से युक्त है,
काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर इससे युक्त है, तो वह चाहता है कि नहीं नहीं यह मुझे फेंक देना है, यह विकारों का बोझ फेंक देना है। तो वह फिर तप के लिए निकलता है, वह नर्मदा परिक्रमा के लिए निकलता है, वह किसी तपोस्थल के ओर निकलता है जहाँ रहकर वह इन विकारों से मुक्त हो सके। तो विपश्यना विद्या क्या करती है? विकारों से मुक्ति दिलाती है। तो दोनों ही एक जैसे पथ हुए। अब कौन ज़्यादा श्रेष्ठ कौन कम श्रेष्ठ यह मैं यहाँ स्थापित करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरी पात्रता भी नहीं है। एक बता रहा हूँ दोनों में के साम्य क्या है। अद्वैत भारत भूमि में सबसे विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत मुख्य है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की साधना पद्धति और नर्मदा परिक्रमा में भी कैसा साम्य है ये बता रहा हूँ। अनेकों वहाँ पर नर्मदा परिक्रमाएँ जिन्होंने एक बार की वह लालायित हो जाता है कि उसमें जो स्वभाव बदलता है उसका जो स्वभाव बदलने से उसके मन को जो शांति मिलती है। और नर्मदा के तट पर जब वह लगभग 3300 से 3600 किलोमीटर की यात्रा है, अलग 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 ये डैम बन जाने के कारण धरण बन जाने के कारण दूर से जाना पड़ता है, और उसमें नियमों का पालन सवेरे 4 बजे से नर्मदा की मानस पूजा या आरती करके, मानस पूजा एक प्रकार से ध्यान ही है, करके वे लोग निकलते हैं। चरेवीति भिक्षावृत्ति से रहते हैं, भिक्कू की तरह जीते हैं। सबसे बड़ा आकर्षण भिक्षावृत्ति से रहना बहुत अहंकार को पिघलाता है, अहम को पिघलाता है, अभिमान को तोड़ता है। तो वह लोग वैसे रहते हैं, तो 3.5 महीने का और 3.5 महीने से भी ज़्यादा, कोई कोई तो 3 साल 13 महीने और कितने दिनों की 36 दिन या 33 दिन की यात्रा पर निकलता है नर्मदा परिक्रमा से। धीरे धीरे तट का दर्शन करता है, वहाँ के आदिवासी लोगों का या नर्मदा तट के लोगों का जीवन देखता है और अनित्य बोध जगता है उसमें। दिन रात देखता है वो और समाज को देखता है, नदी तट का निरीक्षण करता है। और हम क्या करते हैं, हम बैठकर साधना में सांसों को तटस्थ होकर देखते हैं, जैसे कुछ एक नदी बह रही है और हम तटस्थ होकर उस पर बहाव देख रहे हैं, उसका बहाव देख रहे हैं कैसा जल है। वैसे ही वह नदी को तटस्थ रहता है, नदी को आँखों से, नर्मदा मैया को आँखों से ओझल नहीं होने देता और बस उसके किनारे किनारे चलता है, जैसा भी समवृत्ति रखता है, समता में रहता है। चाहे जैसी परिस्थिति आओ, धूप आओ, अलग अलग प्रदेश हैं, कीचड़ आओ, मिट्टी आओ, कहीं ऊबड़ खाबड़ जमीन है, कहीं ऊंचाई है, कहीं गहराई है, कहीं ये सब वह समता से चलता है। कहीं पानी मिलता है, कहीं रोटी मिलती है, नर्मदा मैया तो सबका ख्याल रखती है, लेकिन ऐसा होता है। तो इनमें से अनेकों ने अनेक बार नर्मदा परिक्रमाएँ की और इन सब का विपश्यना के प्रति बहुत आदर भाव देखा मैंने। यह चंद्रकांत जी लोखंडे जिन्होंने यह ग्रंथ लिखा और नर्मदा परिक्रमा की, वे भी चाहते हैं कि मैं विपश्यना ध्यान साधना करूं। उसमें से अनेक जो नर्मदा परिक्रमा किए हुए हैं उन्होंने, कहीं ने 3 शिविर किए, कहीं ने 4 शिविर किए, कहीं ने 5 शिविर किए। अद्भुत अविश्वसनीय और अकल्पनीय है यह नर्मदा परिक्रमा का प्रवास। उसमें कहते हैं अनेक चित्त को जो है सो तरंगे अनेकों प्रकार की आकर छू जाती है या दृश्यमान भी कुछ दृश्य हो जाते हैं, जैसे चिरंजीवी अश्वस्थामा या मैया नर्मदा स्वयं, जैसा हम कहते हैं ना ध्यान साधना में कि प्रक्षेपण हो जाता, बाह्य प्रक्षेपण होने लग जाता है अंतर के भावों का, उसी प्रकार। तो यह नर्मदा परिक्रमा में मैंने देखा, उन्होंने जो हमारे चंद्रकांत जी लोखंडे थे, ऐसे कोई वहाँ वक्ता नहीं थे, ऐसे कोई वहाँ लेखक नहीं थे, लेकिन क्या किताब लिखी है, 416 पेज की किताब लिखी है उन्होंने और पूरी भरपूर माहिती से। सिर्फ उसमें स्थलों का ही वर्णन नहीं मिलता, सिर्फ उसमें रात दिन का निसर्ग का ही वर्णन नहीं, बड़े तो अंतर्द्वंद्व उनका कैसा चल रहा है। जैसे वे नर्मदा मैया से एक प्रकार से संवाद कर रहे हैं, स्वसंवाद जब चलता है ना साधना में भी हमारा विपश्यना ध्यान, उस प्रकार नर्मदा मैया से उनका संवाद चलता था, उससे झगड़ा भी चलता था। कि एक बार वे देख रहे कह रहे थे कि मुझे किसी ने कहा कि हमने दाल बाटी खाई, तो उनको भी अब चलते चलते तो कहाँ दाल बाटी मिली, टिक्कड़ मिला, कुछ रोटी मिल गई, जो भिक्षा में मिला वो खाई,
तो अब ये विकार, वो कहते हैं, वे स्वयं कहते हैं, ये विकार कैसे चल रहा था मेरे मन में कि मुझे भी दाल बाटी चाहिए, मुझे भी ये लोभ या स्वाद की वृत्ति, अस्वाद व्रत से रहना है, नर्मदा परिक्रमा, ये लोभ कि अगर मुझे मुझे भी दाल बाटी चाहिए, मैया तू ऐसी कैसी, मुझे दाल बाटी। और एक और वे कह रहे हैं, अरे कितनी श्रेष्ठ तू यात्रा कर रहा है, यानी कि देखिए दृष्टा भाव कैसे जाग रहा है उनमें, तटस्थता कैसे जाग रही है, कैसे वे स्थित प्रज्ञ होकर जान रहे हैं कि मेरा मन कैसा विक्षिप्त या कैसा लालायित हो रहा है किन चीज़ों के प्रति, इस प्रकार। और कई वे उससे बाहर कैसे आते हैं फिर, इस विकार से, स्वाद के विकार से या कुछ मांगने की वृत्ति से, कामनाओं से कैसा व्यक्ति बाहर आता है। वे कह रहे थे मेरा स्वभाव पहले से बहुत गुस्सेल था, तो मुझे आकर्षण होने लग गया, मेरे साथी जो आगे मैंने कई परिक्रमा वासी मिले देखे, उनकी जो स्थिरता है, उनकी शांति है, उनकी शीतलता है, उनके स्वभाव का माधुर्य है, देखकर मुझे भी लगने लगा मेरा भी स्वभाव ऐसा बनना चाहिए। आकर्षण का नियम है कि जैसा जिस चीज़ को आप लाइक करते हो, आकर्षित करते हो, ऐसा जैसा कहते हैं ना, मोद वृत्ति रखनी चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि कोई श्रीमंत हो गया, कोई बुद्धिमान हो गया, तो उसके प्रति अगर हमने आदर रखा, उसके प्रति अगर हमने चाहा कि अरे वाह कितना अच्छा है, तो हम भी वैसे बन सकते हैं, यानी कि वैसे हम श्रीमंत हो जाएंगे, वैसे हम, मगर उसका ही द्वेष करने लग गए तो हम श्रीमंत नहीं हो सकेंगे, हम ज्ञान वृद्धि नहीं कर सकेंगे। उस प्रकार वो कहता है कि मैंने जब ऐसे लोग देखे तो मेरे में भी ये गुण आए, ये गुण आए, जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं ना, ये गुण, ये अवगुण है तो ये निकलने चाहिए, ये गुण नहीं है तो आने चाहिए, यह अवगुण है तो कम होने चाहिए, यह गुण है तो बढ़ने चाहिए, इस प्रकार की वृत्ति उसमें बढ़ती है। वैसे और कुछ परिक्रमाओं से तो मैंने ऐसे देखी, पग पग पर वे नर्मदे हर का जप करते हैं, पग पग पर सजग रहने की प्रयत्न करते हैं, अगर हम विपश्यना साधक के रूप में देखें तो इस प्रकार जो वह परिक्रमावासी है उसमें मुझे अनेक मेरे विपश्यना साधक मिले तो बड़ा अच्छा लगा। और मसाननाथ महाराज जो है सो स्टेज पर थे, मसाननाथ स्मशान नाम है उनका, वैसे हुए महाराज जो साधु थे, पेशे से भी टीचर थे और बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया, तो वे मसाननाथ नाम में ही सब कुछ आ गया, ऐसा नाम मैंने बहुत कम सुना है, तो इसी में सब कुछ आ गया, संन्यास्त वृत्ति आ गई, विषय विकारों का त्याग आ गया, त्यागी वृत्ति आ गई, तो और ज्ञान की वृत्ति आ गई, उन्होंने भी शील समाधि पर ही ज़्यादा से ज़्यादा बोला। तो भारतवर्ष में मैं देखता हूँ कि अनेक देशों से लोग आकर नर्मदा परिक्रमा भी करते हैं, वैसे ही विपश्यना ध्यान साधना भी करते हैं। भारतवर्ष धर्म का क्षेत्र है, वैसे तो सभी दुनिया के क्षेत्र है, लेकिन भारतवर्ष में तप का बहुत महत्व है, तो नर्मदा परिक्रमा एक तप की परिक्रमा है। तो मैंने एक जो नर्मदा परिक्रमावासी है उनसे सुना कि भाई उसे पूर्व की स्मृतियाँ जागने लगती हैं, पूर्व की स्मृतियाँ, जैसे विपश्यना साधक है ना, उसको भी पूर्व की स्मृतियाँ जागने लगती है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, अपने मैले चीर धोए अपने मैले चीर, धन्य बाग साबुन मिली निर्मल पाया नीर, आओ धोए स्वयं ही अपने मैले चीर, मन के मैले चीर। तो उस प्रकार वे भी बार बार पूर्व की स्मृतियाँ जागती हैं, और गुरुदेव कहते हैं ना, वे रिफाइन होती है, वे और शुद्ध होती है, परिशुद्ध होती है, और फिर सत्य सामने आता है कि कुछ भी नहीं, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। तो यह नर्मदा परिक्रमा का जो मुझे अनुभव आया, और जो वहाँ पर मैंने वक्ताओं से सुना और नर्मदा परिक्रमा वासियों से सुना कि विपश्यना के विषय में भी, और उन्होंने विपश्यना की है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे ही मैं जब एक बार शिवथरगढ़ गया, सुंदर मठ, जहाँ पर समर्थ रामदास स्वामी ने दासबोध लिखा है, तो वहाँ पर भी अनेक मुझे साधक ऐसे मिले जो विपश्यना जाना चाहते हैं या जिन्होंने विपश्यना की है, तो फिर वहाँ पर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनको भी मैंने संबोधित किया, आनापान भी दिया। तो इस प्रकार नर्मदा परिक्रमा हो चाहे दासबोध हो, सभी विपश्य